हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एक एक करके सभी कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट के डेट डिक्लेयर हो रहे हैं, बट वारी रिन्यूएबल्स का अभी तक क्वार्टर टू का रिजल्ट का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। कब होगा डिक्लेयर उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपको मैं याद दिला दूं कि वेवसोल एनर्जी का क्वार्टर टू का रिजल्ट 29 अक्टूबर को डिक्लेयर हो चुका है। आज भी अपर सर्किट लगा, कल भी लगा, शेयर अभी तेज हो चुका है। क्योंकि क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। जून क्वार्टर में कंपनी ने 23 करोड़ का शानदार प्रॉफिट दर्ज किया था और अभी तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो चुका था 1 अगस्त से, जिसके कारण ये क्वार्टर भी धमाकेदार आने की उम्मीद है, जिसके कारण शेयर भाग रहा है। आज भी मॉर्निंग में ही इसमें 10-15 मिनट में ही अपर सर्किट लग गया था। तो वेवसोल एनर्जी पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, जिसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है, कल का फ्राइडे और मंडे का 1 दिन, क्योंकि ट्यूसडे को 29 को इसका रिजल्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, वारी का देखा जाए तो क्वार्टर के रिजल्ट जो आते हैं, मार्च क्वार्टर जो आया था अभी May 10 को आया था, ये तो पूरे साल का क्वार्टर होता है, तो May 10 को तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, मतलब उसके 8-10 दिन पहले नोटिस आ चुकी होगी। उसके अलावा दिसंबर में 20 जनवरी को रिजल्ट आ चुका था, उसके 8-10 दिन पहले, मतलब काफ़ी जल्दी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका था। सितंबर का रिजल्ट देखिए पिछले साल का, तो 26 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुका था, मतलब 20 तारीख के आसपास इसका नोटिस आ चुका होगा, नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और जून, पिछले साल जून में 30 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, मतलब उसके 8-10 दिन पहले पकड़े, मतलब करीब करीब 25 तारीख तक जो भी क्वार्टर ख़त्म होता है तो 20 से 25 तारीख के बीच में क्वार्टर के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो जाती है। बट इस बार काफ़ी डिले हो रहा है, इसके कारण भी थोड़ा मार्केट में बेचैनी है कि रिजल्ट अच्छा ख़राब तो नहीं आने वाला है, जिसके कारण भी शेयर में तेज़ी नहीं आ रही है, नहीं तो अभी तक तो तेज़ी आना तय था। आज भी शेयर में 3.5% की गिरावट हुई, 1530 रुपीज़ पर शेयर ने क्लोजिंग दिया। 200 डेज मूविंग एवरेज 1520 को टच करके उसका लो बनाकर शेयर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया और लोअर सर्किट नहीं लगा, यही बड़ी बात है। आज ओनली 99,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, तो थोड़ा सा मार्केट में नर्वसनेस भी है और क्वार्टर टू का रिजल्ट का डेट भी नहीं आ रहा है, जिसके कारण शेयर में तेज़ी नहीं बन रही है। जितना डिले होता है मार्केट में थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है उस कंपनी के बारे में कि वह रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिजल्ट वीक तो नहीं आने वाला है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है मार्केट की, बट आशा करते हैं रिजल्ट शानदार आएंगे। आशा करते हैं कि अगले 2-4 दिन में क्वार्टर टू के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो जाए वारी की ओर से, जिसके कारण शेयर में होपफुली तेज़ी बन जाए। तो वेट करेंगे क्वार्टर टू के रिजल्ट का डेट का, जो कि शेयर अभी एकदम बॉटम आउट हो चुका है, 200 डेज मूविंग एवरेज पर आ चुका है, लोग एवरेजिंग कर करके थक चुके हैं, बट अभी एवरेजिंग करके मतलब नहीं है जब तक क्वार्टर टू का रिजल्ट आता नहीं है कि डेट आती नहीं है। और डेट आने के बाद ये देखना है कि रिएक्शन क्या होता है, शेयर तेज़ी पकड़ता है कि स्लो ही रहता है। अगर स्लो ही रहा मतलब मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमें वेट करना चाहिए रिजल्ट का, बाकी देखते हैं रिजल्ट की डेट आने के बाद आगे की बात करेंगे। बट इसके पहले का जो रिकॉर्ड रहा है 20 से 25 तारीख के बीच में क्वार्टर टू के रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, बट इस बार काफ़ी डिले हो चुका है, बट हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में हमें रिजल्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिले और होपफुली उसके कारण तेजी बने। थैंक यू फ्रेंड्स।